नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भूतों से मुक्ति का उपाय क्या है? हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह कि गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट पहने सदा हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब न पिएं और न ही मांस खाएं। सिर पर चंदन का तिलक लगाएं। हाथ में मौली अवश्य बांधकर रखें। घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान पर कपूर और लौंग जला दें। इससे आकस्मिक, दैहिक, दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे ऐसे धरती में दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती। प्रेत बाधा निवारक हनुमंत मंत्र ओम एम रिम श्रीम रांग रिंग हूं रें ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतनामारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव वेताल ग्रह राक्षसादिकं क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हुं फट स्वाहा। इस हनुमान मंत्र का 5 बार जाप करने से भूत कभी भी निकट नहीं आ सकते। हनुमान जी के बाद माँ कालका के स्मरण मात्र से किसी भी प्रकार की भूत बाधा है तो तत्काल ही हट जाती है। माँ काली के कालिका पुराण में कई मंत्रों का उल्लेख मिलता है। सरसों के तेल या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना लें। ये काजल लगाने से भूत प्रेत पिशाच आदि से रक्षा होती है और बुरी नज़र से भी रक्षा होती है। चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के निदान के उपाय विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथों प्रश्न मार्ग बृहद पराशर होरा सार फल दीपिका मानसागरी आदि में ज्योतिषीय योग है जो प्रेत पीड़ा पितृदोष आदि बाधाओं से मुक्ति का उपाय बताते हैं। अथर्ववेद में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, नदी पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। एकांत में शयन या यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। पेशाब करने के बाद ढेला अवश्य लें और जगह देखकर ही पेशाब करें। रात्रि में सोने से पूर्व भूत प्रेत पर चर्चा न करें। किसी भी प्रकार के टोने टोटके से बचकर रहें। ऐसे स्थान पर न जाएं जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान होता हो, जहां पर किसी पशु की बलि दी जाती हो या जहां भी लोबान आदि धुएं से भूत भगाने का दावा किया जाता हो। भूत भगाने वाले सभी स्थानों से बचकर रहें, क्योंकि यह धर्म और पवित्रता के विरुद्ध है। जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे कोई
टोने टोटके न करें जो धर्म विरुद्ध हो। हो सकता है आपको इससे तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको परेशान ही रहना पड़ेगा। यदि बच्चा बाहर से आए और थका घबराया या परेशान सा लगे तो यह नज़र लगने की पहचान है। ऐसे में उसके सर से 7 लाल मिर्च और 1 चम्मच राई के दाने 7 बार घुमाकर उतारा कर लें और फिर आग में जला दें। यदि डरावने सपने आते हो तो हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें व चोला चढ़ाएं। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रख कर पूजा करें, उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित रूप से करें। घर भूत प्रेत बाधा नजर दोष आदि से मुक्त रहेगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।